तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं पोहा। बेसिकली ये एमपी और महाराष्ट्र की डिश है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करने के लिए सबसे जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है इसमें होती है मूंगफली, कच्ची मूंगफली। तो हमने कच्ची मूंगफली को एकदम लो सिम आंच पे हमने तवे पे रख दिया है, तवे पे नहीं रखा, सॉरी पैन पे रखा है। और ये बहुत ही कम तेल, मतलब तेल देखिए मेरे पैन में है ही नहीं, बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी ऑयल। सो ऑयल या घी लीजिए आप, आधी छोटी चम्मच या कुछ भी, और उसमें मैंने इसको बहुत ही कम पे किया है। और बीच बीच में मेक श्योर कि आप इसको ऐसे ऐसे हल्के से टॉस या हिलाते रहिए, वरना वो एक तरफ से वो बर्न सी हो सकती है। करेक्ट। और ये देखिए जब मेरी हो जाएगी, इफ यू हियर दिस साउंड राइट, सी द साउंड, यू कैन मेक आउट दैट नाउ दिस इज डन। तो इस समय आप निकाल दीजिए, एक अलग सी स्ट्रॉन्ग खनक की आवाज आती है। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इसको टेस्ट करना चाहेंगे तो अभी आपको ये थोड़ी इतनी क्रंची लगेगी, ओवर द टाइम जब आप इसको बाहर रख देंगे तो कूल्स डाउन फॉर लाइक 3 or 5 minutes इट विल बिकम क्रंची ऑटोमेटिकली। सो डोंट वरी दैट इट इज नॉट क्रंची, वेट फॉर इट टू कूल डाउन एंड इवेंचुअली इट बिकम क्रंची। साइड में हमने अपना प्याज और हरी मिर्च मैंने काट के रखी है। और बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ मैं। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं ये, मैंने क्या किया था, जो पोहा है ये देखिए एकदम भरभरा हो चुका है, इसको मैंने कई बार पानी से धो के इसी छन्नी में रख दिया था यहाँ पे, और इसका पानी नीचे आ चुका है। आलू इज ऑप्शनल फॉर यू, बट वी हैव रियलाइज कि आलू से स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैंने एक आलू छील के रेडी रखा है, थोड़ा मैंने कड़ी पत्ता भी अच्छे से साफ करके धो के रेडी किया है। अब उसी पैन को हम थोड़ा मीडियम आंच पे गरम करेंगे और रिफाइंड ऑयल डालेंगे, एंड देन हम इसको बस बेसिकली छौंक देंगे। और हम लगभग हर चीज़ों को, कई लोग कड़ी पत्ते को नहीं धोते हैं, लेकिन जस्ट वांटेड टू बी मोर हाइजीनिक, लेकिन आप धो के थोड़ा आप टिश्यू पेपर में भी बीच में रख के प्रेस कर सुखा सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट नाउ वी आर ऑल सेट, वी विल पुट सम ऑयल एंड वेट इट टू गेट वार्म इनफ। सो फ्रेंड्स, वी हैव टेकन अबाउट 2 tablespoons ऑफ रिफाइंड ऑयल, और इसको मैंने मीडियम आंच पे गरम किया है। आप साथ में ये ढक्कन जरूर रखिए या स्प्लैटर प्रोटेक्टर रखिए, क्योंकि ये स्प्लैच जरूर करता है। तो मैंने ली है इसमें इसको बोलते हैं सरसों का दाना, तो सरसों का दाना लीजिए ठोकने के लिए व्हेन इट्स हॉट। इसमें हल्के बबल्स ही आएंगे, एंड मैं कड़ी पत्ता डालूंगी जो अभी अभी धोया है, तो इट विल डेफिनेटली स्प्लैटर, सो बी वेरी केयरफुल। और जब हमारा थोड़ा कड़ी पत्ता क्रैकल हो जाएगा तब मैं डाल दूंगी हरी मिर्च जो हमने बारीक काटी है। हरी मिर्च आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब इसको ये बेसिकली जो हमने कड़ी पत्ता डाला है इसको हमें थोड़ा कुरकुरा करना है ताकि वो थोड़ा क्रंची पंच रहे। तो जब तेल में डालेंगे थोड़ा पकाएंगे तभी सब कुरकुरा कुरकुरा पंच रहेगा। तो आमतौर पे जो कड़ी पत्ता है वो नॉर्थ इंडिया में लोग यूज करते ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती है ज़्यादातर महाराष्ट्र या कुछ डिशेज में, वहाँ मतलब इन वहाँ के लोग डिशेज में यूज़ करते हैं। बट इट हैज़ इट्स ओन फ्लेवर, इट गोज वेल विद पोहा, सो वी आर यूजिंग इट। यस, तो बस अब इसको हल्का सा ही, जब ये पिंक होगा तब तक मैं आलू जो ऑप्शनल है इसको मैं बारीक काट लेती हूँ, क्योंकि हमें आलू को भी पकाना है। अब हमने इसमें आलू जो हमने स्क्वायर शेप में काटे थे हमने उसको डाल दिए, बेसिकली क्यूब की शेप में अच्छे लगते हैं इसमें। आप लंबे लंबे डालेंगे तो इट डजंट गो वेल विद द साइज ऑफ पोहा। एग्जैक्टली, और मैंने हल्का सा नमक डाला है ताकि ये आलू हमारे पक जाएं। बेसिकली आलू पकाना है, पोहा इज अ वेरी क्विक थिंग, आलू मैंने कहा ऑप्शनल है, बट काफी अच्छा स्वाद आता है। तो अब हम इसे ढक के पकाएंगे जब तक आलू पक ना जाए, और बीच बीच में मैं इसे टॉस करते रहूं। कई लोग क्या करते हैं पोहे सॉरी आलू को अलग से पका देते हैं, फ्राई कर देते हैं, अब उसका भी स्वाद अलग होता है, लेकिन उसमें अब अननेसेसरी आप ऑयल और टाइम आल्सो, इट्स वन मोर राउंड ऑफ प्रोसेस राइट। इट्स अप टू यू, यू कैन गो दिस वे और दैट वे।
सो विल वेट फॉर आलू जो हमारे हैं थोड़े भाप में पक जाए, उसके बाद हम इसमें पोहा डालेंगे। तो दोस्तों इसको करीब 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 7 से 8 मिनट टू बी वेरी प्रिसाइज। और हमने आलू को थोड़ा सा एक पिचका के भी देखा था, तो आई थिंक इट्स मैंने ऐसे हल्का सा पिचका के देखा, ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं आलू। तो इस स्टेज पे मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी बाय द वे। आलू को चखने की दो आलू को पका है नहीं, दो तरीके होते हैं। एक तो आप इसको हल्का सा दबा के देखिए, दूसरा आप आलू को बाहर निकालिए और उसको मुंह में दबा के देखिए। और ये देखिए मैं तेल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए आप तेल बाहर आ चुका है हमारा, जबकि मैंने ज्यादा तेल डाला नहीं था। सो दैट इज ऑल्सो गुड, अच्छी निशानी होती है। और ये है मेरे पोहे जो मैंने जाली में रखे थे। As you can see, it is nicely पोहा मेरे से राइस का बनता है, right? Exactly, flattened rice is nothing but पोहा। तो ये प्रकार से इसमें ग्लूटेन भी नहीं होगा, कई लोगों को जैसे ग्लूटेन की प्रॉब्लम होती है तो ये भी खा सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो एट दिस स्टेज वी विल ऐड दिस पोहा, यू सी दिस एकदम फरफरा है। अच्छा पोहे के साथ हमने पिछले हमने कई बार बनाया था, हम एक बात नोट कर रहे हैं, पोहा के फ्रेश में अगर आपका जो स्वाद आता है और फ्रिज में आप 1 या 2 दिन रख दे, उसका स्वाद एटलीस्ट 40-50% घट जाता है। एग्जैक्टली, इसीलिए अब मैं कम बनाती हूँ क्योंकि वो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप राजमा छोले को रख दे तो स्वाद में कई बार बढ़ भी जाता है, मेंटेन रहता है, लेकिन पोहे का स्वाद घट जाता है। यस, एंड यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट दाल, अगर आप दाल भी पुरानी खाएं ना, समहाउ दाल का फ्लेवर कम हो जाता है। तो ऐसी शायद जो बीन्स की चीजें हैं उसको वी नीड टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। देखिए ये मेरा हो चुका है, इसमें हल्दी भी डाल चुके हैं क्या? हल्दी मैंने थोड़ी सी डाली थी आलू पकाते समय, बट थोड़ी सी मैं और डालूंगी अभी। सी इस बार हमारी मसालदानी से ओनली हल्दी पड़ेगी, नथिंग एल्स। और यहाँ पर जैसे नॉर्थ अमेरिका में क्या करते हैं, हल्दी की गोलियां मिलती है। हाँ, तो कल हम कॉस्को गए थे, वहाँ टर्मरिक की गोलियाँ कैप्सूल्स मिलती हैं, टर्मरिक का ड्रिंक, टर्मरिक की गोलियाँ, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और डाल दूंगी मैं। मैंने आलू में थोड़ा सा डाला था, आजकल हम बहुत कम नमक खा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डाल दीजिए। और बैलेंस करने के लिए हम थोड़ी सी डालेंगे शक्कर, लाइक हाफ टेबल स्पून। दिस इज अगेन ऑप्शनल, बट हमने ट्राई करके देखा है कि हल्का सा एक अलग सा व्हाट शुड आई से ब्लेंडेड स्वाद आता है। तो इसको बस मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, अभी मेरी आंच लो है, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी अपना स्प्रिंकल करूँगी क्योंकि मेरे पोहे थोड़े ड्राई लग रहे हैं। सो जस्ट विद माई हैंड्स, ओके। एंड अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के पकाएंगे, और तब तक मैं गार्निशिंग के लिए अपना हरा धनिया काट के जाली में रख देंगे, छन्नी में रख देंगे। और दूसरा थोड़ा सा अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी, नींबू की बूंदें आप एंड में डाल सकते हैं। लोग इसके ऊपर सूखा सेब भी डाल के पसंद करते हैं, मिसल का वो रस जो होता है वो भी डालते हैं, बट वी एटलीस्ट नीड हरा धनिया, दैट्स ऑल। सो अब इसको मैं ढक दूंगी, और इसके साथ चाय मस्ट है। तो हमारी चाय यहाँ पक रही है, डू वॉच आवर वीडियो ऑफ दिस चाय, आवर चाय इज अमेजिंग। और पोहे के साथ तो चाय बनती है नाश्ते में। तो अभी हमको 5 मिनट हो चुके हैं, और देखिए इसमें मेरे ख्याल से काफी मॉइस्ट लग रहा है। करेक्ट, ये एकदम मॉइस्ट है, और मैंने इसमें हल्का सा नींबू का रस डाल दिया है, ऑलरेडी डाल के दिखा रहे थे हम। सो नाउ दिस इज गुड टू गो। अब भूलिए नहीं हमारी जो मूंगफली पड़ी है, इससे क्रंचीनेस आएगा। तो आप देखेंगे वो पोहा मॉइस्ट है और ये क्रंची है। तो एग्जैक्टली, लुक एट दिस, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, द कलर्स, नटी, ये एक नटी नाश्ता है। हम घर में बना रहे हैं इसलिए हमने मूंगफली ज्यादा डाली है, अधिकतर बाजार में आपको इतनी मूंगफली मिलेगी नहीं। सो दिस इज गुड। अब मैं डाल दूंगी इसमें हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया बहुत सारी चीजों में, सूखी सब्जियों में, गीली सब्जियों में, काफी चीजों में पड़ता है। Exactly. अच्छा लगता है, बल्कि स्वाद में भी इससे काफी स्वाद आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हमारा एकदम रेडी है नाश्ता, इसको बस आप परोस दीजिए, एंड यू कैन ईट दिस एज इट इज, या आपको अगर थोड़ा सा इसमें ऊपर आलू भुजिया डालनी है आप वो भी डाल सकते हैं। We'll put it right here. And
I'll serve it with some aloo bhujia. आलू भुजिया से अगेन थोड़ा और क्रंचीनेस आएगा और Correct. मतलब आप अपने अगर आपको अच्छा लगता तो डालिए, इट लुक्स बेटर, अच्छा आता है क्रंचीनेस. तो इसमें ये आलू भुजिया है थोड़ी प्लेन सी है, अगर बहुत नमकीन सी भी तो वो भी ध्यान रखिए कहीं आपका खाना नमकीन जैसा ना हो जाए. करेक्ट. तो इसको आप खाइए हमारी चाय के साथ और आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस. आप सुबह सुबह स्पेशली वीकेंड्स में when we have a little bit more of extra time aap ye nashta try kijiye. There you go, we are ready for our steaming breakfast. Yeah, and do like us, subscribe us. Yeah, and it's let us so tempting. know. Yeah, it looks very tempting. So yes, aap please dekhiye aur subscribe kariye aur bataiye aapko hamara khana aur nashta kaise laga. Yeah, thank you for watching us. Bye, take care.